दोस्तों इस वीडियो में हम साल 2023 के बेस्ट बैंक को डिस्कस करेंगे जो हमें सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, अगर मैं होम लोन की कहानी को समझूं तो सिंपल भाषा में ये समझो, मान लो किसी को भी अगर 50 लाख रुपए के होम लोन की जरूरत है और मान लो वो 30 ईयर्स के लिए होम लोन लेना चाहते हैं, तो ये चीज़ समझ लो कि 50 लाख का अगर आपको होम लोन चाहिए और 30 सालों के लिए चाहिए, तो 30 साल के अंदर अंदर जैसे जैसे आप इंटरेस्ट पे करते चले जाओगे तो मोटा मोटा आप ये समझ लो कि आपको 3 times पैसा वापस देना है। यानी अगर किसी ने 50 लाख का होम लोन लिया है तो उसे 30 ईयर्स के अंदर अंदर 1.5 crore रुपये बैंक को वापस देने होंगे। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि होम लोन का जो टाइम है ना वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि 30-30 साल के लिए लोग लोन लेते हैं, कोई 20 साल के लिए लेता है, ठीक है। तो टाइम बड़ा होने की वजह से ना उस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप होम लोन लो तो ये बैंक ज़रूर देखो कि आपको उस डेट पर कौन सा बैंक ऐसा है जो सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि 1% से आप ये मान के चलो कि अगर किसी ने 50 लाख का लोन लिया है 30 ईयर्स के लिए लिया है, अगर 1% भी वो अपना कम करवा लेता है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसका ज्यादा नहीं तो कम से कम भी 15 लाख रुपए बच जाएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि होम लोन लेने अब चाहे आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लो, चाहे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लो, चाहे आईसीआईसी से लो, चाहे एचडीएफसी से लो, आपको बस ये चीज पता होनी चाहिए कि वो बैंक कितनी प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहा है, कितना आपको वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, सारी चीजें आपको बस पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हम एक बार सारे बैंकों के होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स को देखेंगे, उसके बाद एक बार मैं आपको होम लोन कैलकुलेटर दिखाऊंगा कि अगर मान लो कोई बंदा 50 लाख का लोन ले रहा है 30 इयर्स के लिए ले रहा है कितना इंटरेस्ट रेट बैठेगा, महीने की किस्त कितनी बैठेगी। ऐसे कोई 1 crore का ले रहा है, कोई 20 लाख, 30 लाख, 5-6 कैलकुलेशंस करके हम देखेंगे, फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि होम लोन लेने का पूरा प्रोसेस होता क्या है, कि आप बैंक में गए, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, लॉयर क्या काम करता है, वैल्यूएटर का क्या रोल होता है, प्रोसेसिंग फीस कैसे रहती है, फिर वो सारा प्रोसेस देखेंगे, फिर देखेंगे कि बैंक लोन देता कितना है। तो एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके सामने ये पूरी की पूरी लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं, आज की डेट में देखो सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में। इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 8.50% से। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी साल 2021 के सबसे सस्ते होम लोन्स, वहां पे मेरे पास कमेंट आने शुरू हुए कि नहीं नहीं इससे ज्यादा मिलता है। देखो ये जो भी आपके आगे लिखे हुए हैं ना कि 8.50% ऑनवर्ड्स, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू हो जाते हैं 8.50% से। अब यहाँ पे अगर मान लो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपका सिविल स्कोर भी परफेक्ट है, ठीक है, आपको 8.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन बहुत प्यार से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हो, कोई ऐसा बिजनेस करते हो जहाँ थोड़ा सा रिस्क जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे फिर आपको हो सकता है कि 10% भी मिले, 12% भी मिले। तो ये जो पूरी की पूरी आपके सामने लिस्ट है, ये लिखा हुआ है कि इन सभी बैंकों के यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें मैं मान के चलता हूँ कि आज की डेट में सबसे सस्ता इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है, उसके बाद LIC, HDFC, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, IDFC फर्स्ट, कोटक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां पे हो सकता है कि बहुत सारे बैंक्स मिस भी हो गए हों, लेकिन मैंने सभी वो बैंक्स उठाए हैं जो बैंक्स अच्छे भी हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने कोई मतलब चलता फिरता बैंक उठा लिया जहां पे आपको मतलब कोई रिस्क भी जुड़ा, रिस्क इन द सेंस कई बार होता है ना कि बेफजूल की पेनल्टियां लगती चली जाती है। अगर मैं ऐसे ही चलते फिरते छोटे मोटे प्राइवेट वेंडर्स की अगर बात करूं तो मैंने वो कुछ भी नहीं उठाया, अच्छे बैंक्स उठाए हैं जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम दे रहे हैं। तो यहां पे अब एक चीज हम मान के चलते हैं, अगर मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आज की डेट में मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, तो मेरे तो पीछे बैंक पड़ा ही रहेगा कि आप तो मेरे से होम लोन ले लो, क्योंकि आपका सिविल स्कोर तो एकदम ठीक है, आप तो कहां ही डिफॉल्ट करोगे, ठीक है। तो मुझे मान लो कि 8.50% पे ही बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन दे देता है, लेकिन एक बार के लिए मैं मान लो ट्राई करता हूं कि चलो मैं SBI से भी ले सकता हूं, SBI मुझे 9.15% के इंटरेस्ट रेट पे होम लोन दे रहा है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको ये चीज ना कैलकुलेटर से समझाता हूं कि मान लो मुझे 50 लाख का होम लोन चाहिए, ठीक है, एक तो मैं आपको दिखाऊंगा कैलकुलेशन कि आप 8.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक ऑफ बड़ौदा से ले रहे हो और एक 9.15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप जो है SBI से ले रहे हो, तो दोनों के बीच में हम एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं। अब यहां पर मैंने होम लोन कैलकुलेटर ओपन कर लिया, आप किसी भी बैंक का होम लोन कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, इस कैलकुलेटर का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको कितना लोन चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, तो आप खुद भी इजीली इससे अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब यहां पे क्योंकि हम होम लोन ले रहे हैं 50 लाख रुपए का, ठीक है, तो सपोज करो सबसे पहले जो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था वो मिल रहा था 8.50% का बैंक ऑफ बड़ौदा से, ठीक है जी, 8.50% का मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, टेन्योर मुझे चाहिए मान लो 30 इयर्स के लिए लोन चाहिए, ठीक है जी, तो 30 इयर्स के लिए मुझे जो लोन चाहिए 50 लाख रुपए का, तो मुझे 30 साल के अंदर अंदर जो बैंक को पैसा वापस देना है उसमें मुझे इंटरेस्ट पड़ेगा 88 लाख रुपीज, यानी लोन मैंने लिया 50 लाख रुपए, उस पर ब्याज 88 लाख रुपए पड़ेगा, प्लस
10-50 लाख तो देना ही है, यानी 50 लाख लेने के बदले मुझे बैंक को ऑलमोस्ट 1,38,00,000 रुपए वापस देने। अब आप खुद सोचो, 50 लाख का लोन है, 30 साल के अंदर बैंक को देना है, यानी 50 लाख के बदले 1,38,00,000 रुपए देने हैं। ये मैंने कैलकुलेशन की है अगर मुझे मिल रहा है लोन 8.50% के हिसाब से, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ SBI में जो मुझे लोन मिल रहा था वो मिल रहा था 9.15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो मेरा यहाँ पे अगर मैं 9.15% के हिसाब से लेता हूँ, ठीक है जी, तो जहाँ मैं 1,38,00,000 रुपए टोटल वापस दे रहा था, अब मुझे यहाँ पे 1,46,00,000 रुपए वापस देने, यानी आप खुद सोच के देखो कि डिफरेंस कितना आया। यह आ गया आपका 0.65% का, सिर्फ 0.65% का डिफरेंस आया है, और 1,38,00,000 की जगह अब आपको 1,46,00,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखो, अगर यही डिफरेंस मान लो मैंने अभी अगर मुझे 8.5% पे इंटरेस्ट रेट पे मुझे जो लोन मिल रहा है 50 लाख का, वहां मैं 1,38,00,000 रुपए दे रहा था, लेकिन अगर सपोज करो कि यही मुझे 10% पे इंटरेस्ट रेट पड़ता तो मुझे यहां पे 1,57,00,000 रुपए वापस देने पड़ते। यानी एक तरफ 8.5% पे अगर मैं कामयाब हो जा रहा हूं होम लोन लेने के लिए, दूसरी तरफ मुझे 10% पे मिल रहा है, तो 1,38,00,000 से ये वैल्यू बढ़ के रीपेमेंट की मुझे 1,57,00,000 पे लेगी, यानी ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए का फर्क आ गया। तो आप खुद सोच के देखो कि 1-1.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको 15-15-20-20 लाख रुपए की बचत हो रही है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है होम लोन को ये देखना कि कौन सा बैंक सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। दूसरी चीज आती है नेगोशिएशन, ठीक है, ऐसा नहीं कि बैंक ने कह दिया जी 12%। देखो बैंक के खुद चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आज की डेट में तो इतना प्रेशर है बैंकिंग में, इतना कॉम्पिटिशन है कि जितनी जरूरत आपको है ना उससे ज्यादा जरूरत उस बैंक एम्प्लॉय के प्रेशर उसके ऊपर प्रेशर है कि बेचने के लिए, ठीक है। तो चाहे ये मत सोचने कि गवर्नमेंट बैंक्स आज वो गवर्नमेंट बैंक्स नहीं बचे कि आप जा रहे हो उनका लंच टाइम चल रहा है आपको पूछ ही नहीं रहे, उनके ऊपर भी प्रेशर है, उनको उनके ऊपर भी टारगेट्स हैं, उनको भी होम लोन डिसबर्स करने हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी बैंक हो चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कोई भी हो, अगर आपको 12% बोल रहा है 10% बोल रहा है, वहीं से नेगोशिएशन स्टार्ट करो। आपका प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि भारत में जितने भी अच्छे बैंक्स हैं चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, मान लो आज आपने होम लोन लेना है, पहला स्टेप है कि एक डायरी उठाओ, हर बैंक में जाओ, ठीक है। आप पहले चले गए SBI में, डायरी पे लिखो SBI, ठीक है, SBI कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, इतना दे रहा है, प्रोसेसिंग फीस कितनी चार्ज करेगा, इतनी चार्ज करेगा, लॉयर की फीस कितनी चार्ज करेगा, वैल्यूएटर की फीस कितनी चार्ज करेगा, क्या टर्म प्लान, एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना होता है अपने लिए, ठीक है जी, उसमें क्या नाम है, सॉरी हेल्थ केयर, एक आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना होता है, उसमें आप पूछो उससे कि क्या जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आप अपनी तरफ से नया दोगे, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई टर्म प्लान चल रहा है उसी को ही आप एक्सेप्ट कर लोगे। ये सारे सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। एक डायरी में आप हर बैंक को विजिट करो, 10 बैंक विजिट करो, 15 विजिट करो, 20 विजिट करो, लास्ट में देखो कि कौन सा बैंक आपको सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, जो सबसे सस्ता दे रहा है उससे भी नेगोशिएट करो कि आप इसे कम करो। ये तो है एक सही तरीका होम लोन लेने का, ठीक है। बाकी होम लोन से जुड़े हुए एक एक पॉइंट अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। यहां तक हमने देख लिया कि होम लोन कैलकुलेटर क्या चीज थी और सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आज की डेट में कौन सा बैंक हमें ऑफर कर रहा है। अब ये जो लिस्ट है ना, ये कि 8.50% से स्टार्ट हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन, ऐसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 9.15 से, तो यहां पे एक चीज आपको ये समझनी होगी। मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई पहली बार ही होम लोन ले रहा है, तो उनको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स नहीं मिलेंगे। आप ये मान के चलो इनसे 1-1.5-2% ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि जितना बेटर आपका सिविल स्कोर होगा उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको होम लोन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका सिविल स्कोर जनरेट ही नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम आप लोन ले रहे हो, या फिर कोई पास की क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी सी खराब है, तो ऐसे केस में फिर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये सिर्फ आपके सिविल स्कोर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। यहां पे सारी चीजें मैंने आपको ऐसे बताई है कि ये स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद कंसेप्ट आता है लोन टू वैल्यू का। अब काफी लोग कहते हैं कि ठीक है मुझे मान लो 50 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है जी, और देखो लोन टू वैल्यू का कंसेप्ट सिंपल सा पहले ये होता है कि मान लो अगर आपको लोन चाहिए 0-30 लाख रुपीस के बीच में, ठीक है, तो इसमें बैंक बोलता है कि 90% पैसा तो मैं आपको लोन दे दूंगा, 10% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी 90% 27 लाख तो बैंक दे देगा और 3 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। दूसरी तरफ बैंक बोलते हैं कि अगर आपको लोन चाहिए 30 लाख से लेके 75 लाख रुपए के बीच में, तो इस केस में बैंक बोलते हैं 80% पैसा ही मैं दूंगा, यानी मान लो अगर आपको 60 लाख का लोन चाहिए, ठीक है जी, तो 60 लाख के लोन के पीछे बैंक कहेगा 48 लाख तो मैं दे दूंगा लेकिन 12 लाख आपको देने होंगे। ऐसे अगर आपको लोन चाहिए 75 लाख से ज्यादा की वैल्यू का, तो इस केस में बैंक बोलते हैं कि 75% तो मैं आपको पैसा दे दूंगा लेकिन 25% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी अगर आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए तो 75 लाख रुपए तो बैंक दे देगा और 25 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। ये होता है लोन टू वैल्यू का कंसेप्ट, कि कितना आप लोन ले रहे हो, यानी
आपके लोन की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बैंक आपको लोन देगा और कितनी आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा जब भी आप होम लोन लेते हो ना, तो जो घर आपने परचेज किया, ठीक है, अब घर तो आपने ले लिया, रह भी आप ही रहे हो, लेकिन पैसा किसने दिया है? बैंक ने दिया, ठीक है। तो क्योंकि पैसा मेजर, डाउन पेमेंट तो आपने थोड़ी बहुत ही करी है, मेजर पैसा तो बैंक का ही है, क्योंकि रह आप रहे हो, सब कुछ आपके पास है, लेकिन पैसा बैंक का लगा है, तो ये घर बैंक के पास गिरवी रहता है। कब तक? जब तक आप अपना पूरा का पूरा लोन बैंक का वापस नहीं दे देते, ठीक है जी। इस गिरवी, तो एक देसी वर्ड हो गया, इसे बैंकिंग टर्म्स में बोला जाता है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का मतलब ये होता है कि जब आप अपना लोन पूरा क्लियर कर दोगे तो बैंक आपको एनओसी दे देगा, ये घर पूरा का पूरा आपका हो जाएगा। इसके बाद एक अगला कंसेप्ट ये आता है कि जब भी आप बैंक में होम लोन लेने जाओगे ना, तो बैंक सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछेगा कि आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। अब ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारी वीडियोज में बताया हुआ है कि देखो फिक्स का मतलब यह है कि लेट सपोज कि आज होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10% का, ठीक है, और आप अगले 30 ईयर्स के लिए होम लोन लेना चाहते हो, ठीक है, तो कल को चाहे होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े घटे, जैसे ना हर 2 महीने में आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है, ठीक है जी, उस मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है, कभी घटा देता है, ठीक है, तो जो आज की डेट में होम लोन मिलते हैं ना, वो सीधे सीधे लिंक होते हैं आरएलएलआर से, यानी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, यानी अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा ना, तो आपका भी होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को चूज कर रखा है, तो कल को चाहे आरबीआई अपनी रेपो रेट बढ़ाए घटाए, होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े घटे, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको 10% के हिसाब से अगले 30 इयर्स तक अपने होम लोन को भरना है। लेकिन अगर मान लो आपने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज कर लिया, ठीक है, और आज आपको 10% के हिसाब से 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से होम लोन मिल गया, ठीक है, लेकिन कल को मान लो आरबीआई अपनी रेपो रेट को बढ़ा देता है और बढ़ा के आपका जो होम लोन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहुंच गया 12% पे, ठीक है, तो आज मान लो आपकी जो ईएमआई थी, मान लो आपकी 40,000 की ईएमआई थी, तो कल यानी अगले 3 महीने के बाद से ये लागू होता है वैसे, ठीक है, मान लो जिस दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया उसके 3 महीने के बाद से आपकी जो किस्तें हैं वो महंगी हो जाएंगी, तो आप 40,000 की अगर किस्त भर रहे थे, तो आपकी किस्त जो है 50,000 के आसपास भी पहुंच सकती है। तो ये चीज आपको समझना होगा फिक्स्ड और फ्लोटिंग के बीच में डिफरेंस, ठीक है। फ्लोटिंग में जरूरी नहीं है कि बढ़ाए, कल को मान लो आरबीआई अपनी रेपो रेट को घटा भी सकता है, 8% कर देते हैं, तो हो सकता है कि आप 40,000 भर रहे थे तो आपकी जो किस्त है वो 30,000 पे आ जाए, तो ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, क्योंकि आरबीआई अपनी रेपो रेट को महंगाई कंट्रोल करने के लिए बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो मेरी नजर में, अब सवाल ये आता है कि लेना क्या चाहिए, तो मेरी नजर में फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बेटर है। उसका रीजन ये है कि देखो अभी हाल फिलहाल आरबीआई ने लगातार अपनी रेपो रेट्स इंक्रीज की है, ठीक है, तो लोगों को बड़ी दिक्कत हुई, लोगों के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़े महंगे होते चले गए, या फिर मतलब ये लगा लो बैंक चॉइस देता है कि या तो अपनी किस्तें महंगी कर लो या फिर अपने लोन का टेन्योर बढ़ा लो। मान लो किसी का लोन 10 साल का बचा था, ठीक है जी, अब ये एक बंदा कहता है कि मैं किस्त जितने की भर रहा था मैं तो उतनी ही भर सकता हूँ, पैसा नहीं बढ़ा सकता, तो बैंक कहेगा कोई बात नहीं, 10 साल का रह गया था तो 12 साल हो गया, अब मतलब 10 साल रह गया था ना लोन आपका, अब आपको 12 साल पैसा भरने है किस्त अगर सेम रखते हो तो। लेकिन अगर किस्त बढ़ा लेते हो तो 10 की 10 साल का ही जो लोन बचा है उतना ही बचा रहेगा। तो ये चीज़ थी। तो अभी हाल फिलहाल आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई क्योंकि मार्केट में बहुत दिक्कत चल रही थी, वो बड़ा डीप कंसेप्ट हो जाएगा कि यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था इसलिए आरबीआई बढ़ा रहा था, तो इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। लेकिन इन फ्यूचर अब जो आज अगर कोई नया होम लोन लेना चाहता है तो फ्यूचर में रेपो रेट्स इतनी ज़्यादा अब नहीं बढ़ेंगी, ठीक है, टाइम के साथ साथ ये घटनी ही शुरू होएंगी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट आप समझ लो, अगर आज आप होम लोन ले रहे हो तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब इसके बाद एक बार हम बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि जैसे हम बैंक में गए, ठीक है, तो बैंक में जाने के बाद पूरा प्रोसेस होता क्या है, होम लोन मिलेगा कैसे। तो सबसे पहले आप बैंक में गए, बैंक में जाने के बाद सबसे पहले तो यही करना है कि आपको बैंक ही विजिट करना है और एक होम लोन की रिक्वेस्ट देनी है, ठीक है जी। उसके बाद जब आप होम लोन की रिक्वेस्ट दोगे ना, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी चीज़ें नेगोशिएट कर लो। पहली चीज़ तो मैंने आपको सारा कंसेप्ट बताया, कंपेयर करो बैंकों को, जो बैंक अब आपने सेलेक्ट किया उससे नेगोशिएट करो कि भाई मान लो वो कह रहे मैं 10% पे दूंगा, आप कहो कि 9% पे ही मुझे चाहिए, आपने देना है तो दो, वरना बताओ कि मैं दूसरे बैंक से ले लेता हूँ, नहीं जाने देगा, ठीक है। ये आजकल जो बैंक है ना, ये एक तरह से दुकानदारी ही हो गई है, ठीक है, कि नेगोशिएशन बहुत प्यार से चलती है। दूसरी चीज, उससे उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी नेगोशिएट कर लो, क्योंकि बैंक आपसे लॉयर की फीस भी चार्ज करेगा, वैल्यूएटर की फीस भी चार्ज करेगा, तो उससे उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सारी फीस नेगोशिएट कर लो, ठीक है, ये एक इनिशियल स्टेप आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स देने, अगर आप सैलरीड हो तो सैलरीड अपने सैलरी स्लिप्स
वगैरह जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अपनी ITR वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। उसके बाद बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स लेके इंस्पेक्शन करेगा कि जी ठीक है डॉक्यूमेंट्स ठीक है, आपका सिबिल स्कोर वगैरह, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। अगर सब कुछ ठीक लगता है ठीक है, तो बैंक, अगर मान लो आप जॉब करते हो तो आप जिस जगह जॉब करते हो वहाँ वेरिफिकेशन के लिए आएगा, कहीं फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं दे दिए बना करके, तो वो देखेगा कंपनी है, किस चीज़ की कंपनी है, आपकी जॉब सिक्योर है नहीं है, वो सारी चीज़ें। फिर आपके घर पे भी आएगा, आसपास पूछ लेगा कि क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है, बंदे ठीक है नहीं है, पैसा देंगे नहीं देंगे, अपनी बेसिक जो वेरिफिकेशन है बैंक की वो करेगा। क्योंकि देखो कोई पर्सनल लोन तो है नहीं छोटा मोटा, होम लोन है, बड़ी अमाउंट है, बड़ा टाइम पीरियड है, तो बैंक अपनी तरफ से पूरी वेरिफिकेशन करता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी मान लो आप खड़े उतरते हो ठीक है, आप जॉब भी अच्छी कर रहे हो, आसपास अड़ोस पड़ोस में आपकी काफ़ी एक रिस्पेक्ट भी है ठीक है, तो आपका सारा फीडबैक अच्छा चला गया बैंक के पास, उसके बाद अब शुरू होता है मेन प्रोसेस। बैंक क्या करेगा, सबसे पहले तो एक लॉयर को हायर करेगा। ये लॉयर क्या करेगा, लॉयर उस प्रॉपर्टी के पास जाएगा जो आप खरीदना चाहते हो, उस प्रॉपर्टी की पूरी इंस्पेक्शन करेगा, वहां से 13 साल की प्रॉपर्टी चेन लेगा, यानी 13 साल पिछले, आज जिस दिन ले रहे हो उससे पीछे 13 साल तक की पूरी प्रॉपर्टी चेन लेगा कि पहले किसके पास था, फिर किसके पास ये घर आया, अब कहाँ जा रहा है। अगर कोई फ्रेश है तो उसमें 13 साल की प्रॉपर्टी चेन नहीं है, फिर उसके बेसिक देखेगा कि उस पर कोई डिस्प्यूट है या नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कहीं दो ओनर हैं पार्टनरशिप में है और एक एग्रीड है दूसरा एग्रीड नहीं है। यानी वो लॉयर, देखो बैंक से होम लोन लेने का ये सबसे अच्छा एक बेनिफिट है कि आपको कोई चेप ही नहीं लगा सकता, कि ऐसा नहीं कि कोई फर्जी घर नहीं भेज सकता आपको, क्योंकि बैंक पूरी इंस्पेक्शन करेगा उसकी, तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट मिलती है। ठीक है, लॉयर उसका पूरा देख लेगा, प्रॉपर्टी चेन देख लेगा, सारी चीज़ें देख लेगा। जब लॉयर कह देगा कि ठीक है जी प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, प्रॉपर्टी एकदम ओके है, उसके बाद काम आता है वैल्यूएटर का। अब वैल्यूएटर क्या करता है, वैल्यूएटर उसकी एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू निकालता है। ठीक है, अब मान लो आपको होम लोन चाहिए, आपको तो यही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन मिल जाए। मान लो प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है, ठीक है जी, वैल्यूएटर कह रहे 50 लाख है, लेकिन आप अपनी तरफ से कह रहे हो जी 1 करोड़ है। आप तो यही सोचोगे ना कि अगर मैं 1 करोड़ बताऊंगा तो मुझे उसका 75% यानी 75 लाख रुपए लोन मिल जाएगा। लेकिन वैल्यूएटर क्या करते हैं, वैल्यूएटर अपने हिसाब से खुद मार्केट में जाएगा, उस प्रॉपर्टी की लोकेशन पे जाएगा और एक प्रॉपर्टी की वैल्यू बैंक को बताएगा। वो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बैंक को बताएगा उस हिसाब से फिर LTV का कंसेप्ट लगा के बैंक आपको लोन देगा, ना कि आपके बताए हुए रेट के हिसाब से बैंक आपको लोन देगा। ठीक है ना, तो वैल्यूएटर बताएगा सारी चीज़ें। तो वैल्यूएशन होने के बाद मान लो वैल्यूएटर कहते हैं 50 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो बैंक 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो ये किस रेंज में आता है, 30-70 वाली रेंज पे आता है, तो इसमें आपको 80% लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बैंक कहेगा कि आपको 40 लाख रुपए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकते हैं, इसका एक सेंक्शन लेटर बैंक आपको बना के दे देगा। अब ये 40 लाख में से, ये सेंक्शन लेटर का मतलब ये नहीं कि लोन आ ही गया, सेंक्शन लेटर का मतलब है कि आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, इसमें आप बताओ कि आपको कितना पैसा चाहिए, क्या 40 चाहिए, 30 चाहिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए, यानी बैंक आपको बस ये कह रहा है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखते हुए हम आपको ये कह रहे हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख का लोन दे सकते हैं। अब आपको जितना लोन चाहिए वो आप बैंक को बता सकते हो। तो ये एक बेसिक पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, होम लोन लेने का सही तरीका क्या है, क्या क्या पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा दो चीज़ें और होती हैं, वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रांसफ़र, जिसे हम BT बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रांसफर का मतलब है कि अगर मान लो कल को आपने SBI से होम लोन ले लिया, थोड़े टाइम बाद ICICI वाले आए कहते हैं कि हम आपको ना 2% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन देते हैं जो आपका फिलहाल चल रहा है, तो आप क्या कहोगे कि ठीक है मैं शिफ्ट कर लेता हूं SBI से अपना होम लोन ICICI में। तो ये जो शिफ्ट होता है ना, इसे हम BT बोलते हैं, यानी बैलेंस ऑफ ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है टॉप अप लोन का। टॉप अप का मतलब ये होता है, मान लो आपने बैंक से लोन ले लिया 50 लाख रुपए का, ठीक है जी, अब आपको घर पे कुछ ना कुछ काम करवाने हैं, आपका ये लोन तो चल ही रहा है, जो होम लोन चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए और चाहिए। ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा लोन के ऊपर लोन अगर आपको चाहिए तो उसे हम होम लोन टॉप अप बोल देते हैं। तो ये दो कंसेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। एक और कंसेप्ट है रिवर्स मॉर्गेज का। ठीक है, तो उसके लिए मैंने चलो एक अलग से वीडियो बनाई हुई, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो रिवर्स मॉर्गेज का कंसेप्ट भी आप देख लेना। ठीक है, तो ये सारा था एक होम लोन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये एक मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि आप पूरा डीप में स्टडी करके और जो है अपनी ऑडियंस के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी ही और अच्छी से अच्छी और पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियोज़ में आपको लाके आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो अभी के लिए दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।